गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और फिट होंगे। और उम्मीद करता हूं आपको मेरे गणपति जी के ब्लॉग भी अच्छे लग रहे होंगे, जो मैंने दो पोस्ट किए हैं। जो मैं दोस्त के घर गया था वहां पर, देन डे वन विसर्जन का भी किया, डेढ़ दिन के विसर्जन का भी किया, और डे वन गणपति के दर्शन की वीडियो मैंने डाली है। अभी और डालूंगा मैं ब्लॉग जो है गणपति जी के ऊपर। सो आज का रूटीन कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह मैं घर से बाहर निकल के ब्लॉग बना रहा हूँ। रीज़न क्या है, घर पे इतने सारे काम थे कि मुझे स्टार्टिंग करने के टाइम नहीं मिला है। सो अभी पहले हम जाएंगे, मेरी फ्रेंड है उसके व्लॉग्स उसको देने हैं जो एडिट करके रखे हुए हैं मेरे पास में। कुछ व्लॉग ऐसे हैं जिसकी फुटेज थोड़ी आगे पीछे है, सो उसको देखना है कि मतलब कौन सा शॉट पहले कौन सा बाद में, क्योंकि उसकी फुटेज ऐसी होती है कि समझना बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल ठीक है, समझ लेते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं। तो उसको व्लॉग देंगे, देन अपनी डबिंग करेंगे, देन उसके बाद और कुछ कुछ काम है। तो आइए चलते हैं, जो हमने मीटिंग पॉइंट सेट किया है वहाँ पर, देन आगे की बात करेंगे आगे वाले। सो मैं आ चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, देन अभी अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो आएगी। देन आने के बाद में उसके ब्लॉग्स जो हैं उसको दिए जाएंगे। क्या क्या फोटो थोड़ी आगे पीछे करने वाली है, तो मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना है उसमें। मोस्टली तो मैंने बराबर ही एडिट किया होगा, सो आई होप सो कि गालियाँ ना पड़े उससे मुझे। तो अभी वो आएगी, अभी आज ब्रेकफास्ट भी सुबह क्या ही किया, कुछ खास कर नहीं पाया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे घर पे। सो उसके बाद जाऊंगा डबिंग करूंगा, डबिंग करने के बाद में फिर लेट्स सी आए क्या काम करते हैं। देन एक कोलैबोरेशन का भी शूट करने जाना है, तो ठीक है, सब बिजी डे टू डे। इस इंसान को इतना बड़ा खड़ा हुआ आदमी नहीं देखा, आगे निकल गया, देखो कौन है ये प्राणी। ये है वो प्राणी देखो, जिसको रास्ते में खड़ा हो इतना बड़ा आदमी नहीं दिखाई दिया आज। सो मैं हूँ थोड़ा सा हंग्री। हाय टू माय फ्रेंड, तो इसका भी चैनल है बेचारी का, सब्सक्राइब करो, जबकि इसके व्यूज़ मेरे से ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको हाँ हौसला दिया है, बस और तो क्या है, वो चीज़ है नसीब अपना अपना। सो मेरी टिप्स इसका चैनल उठ गया, पर मैं मेरा नहीं उठा पाया। तो आई एम जस्ट हैविंग व्हाट आई वांट टू हैव। ओके ठीक है, मैं पराठे खाता हूँ, तो तुम बैठ के तेरे ब्लॉग एडिट कर लेना। चलो आओ, मैं पराठे खाऊँ। मैंने इसका ब्लॉग जो अलग से डाला होगा। कभी कभी ना स्ट्रीट फूड ही बड़ा अच्छा लगता है खाने के लिए, जैसे कि पराठे बड़े लाजवाब हैं। खाना है? Have it? नहीं गाइस, अब भी मैंने खाया हुआ है, खाना खाती है। इसके बहुत नखरे हैं, ये कुछ नहीं खाती पीती, फिर भी इसको पानी भी लग जाता है। गाइस ये देखो, मेरे से पेमेंट लिया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ कोक फ्लोट फॉर माय व्लॉग्स एडिटिंग। हां तो सीधी सी बात है ना यार, अभी गर्लफ्रेंड हो तो आपने सोचता है कि नहीं यार ठीक है, इट्स ओके चलता है, लेकिन अभी क्या फ्रेंड है तो व्लॉग एडिट करने के बहाने बनते हैं ना। सो व्लॉग एडिट करने के बदले कुछ तो होना चाहिए ना, छोटी मोटी ट्रीट तो बनती है। पी लो मौज कर लो। करेगा पूछने की बात है कोई? नहीं मत कर, चलेगा? नहीं मैं करूँगा। तो ही मेरा पी सकती है। मेरे को कोक फ्लोट नहीं पसंद। क्यों? यार ये तो कोक फ्लोट कोल्ड ड्रिंक में आइसक्रीम। अरे अच्छा है यार, चेंज करेंगे। अच्छा है, चेंज करेंगे। तूने चीटिंग की मेरे साथ में। क्यों? हाँ क्या चीटिंग की? मैं जब ये ऑर्डर कर रहा था, इसने मुझे बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने इसने इतना अच्छा सा ऑर्डर किया, मुझे पहले बोलते मैं भी कुछ पैसा लेता। मैंने तो बोला मैं सॉफ्ट सर्व लूंगी, सॉफ्टी बोला था मैंने, बस कोन की जगह पे मैंने कप में ले लिया। ओ ऐसा क्या? नाउ आई गॉट चॉकलेट ड्रिजल की जगह पे हॉट फज ले लिया। ओ अमेजिंग, नाइस यार, बहुत टेस्टी होता है ये गाइस, बहुत टेस्टी दिख रहा है। मुझे एक स्पून दे दे, वरना देखो हजम ऐसा नहीं होगा, पेट खराब होने से बचाना है, जो गेमी है स्पून। बच गया मेरा पेट गाइस, तुमको अच्छे से डाइजेस्ट हो। एडिट कर अपना, देख क्या क्या फुटेज तेरी बाकी बची हुई है, अदरवाइज वो रह जाएगा तुम्हारा। एक काम कर, तू एडिट कर, मैं फटाफट से फिनिश करता हूँ। चलेगा 5 मिनट बाद लेट। मैं वैसे भी खाना जल्दी खा लेता हूँ, यूं फिनिश कर दूँगा, कोई जरूरत नहीं, फटफट से। गाइस डेजर्ट को जल्दी क्यों फिनिश करना होता है? इट्स अबाउट सेवरिंग द टेस्ट, मजे से खाना। फटाफट जितनी जल्दी खाओगे उतनी जल्दी डाइजेस्ट होगा, जितनी जल्दी डाइजेस्ट होगा उतनी जल्दी दोबारा भूख लगेगी, फिर आप और खा सकते हो।
अमेरिका में? मेरे पास तो है ना, पैसे बहुत बहुत अमीर है, ऐसी रोती रहती इसकी आदत है। क्या हुआ देखा, अमीर लोग कंजूस होते हैं, इसने कुछ भी छोड़ा नहीं, हाथ पे गिरा वो भी खा लिया। देख कब को एडजस्ट कर ले पहले, उसके बाद में एडिट कर ले, इससे पहले खत्म हो और मैकी वाले में भगा दें। हो गया एडजस्ट, एक गलती इशू। अरे वाह नाइस रिंग, एंगेजमेंट हो गई नहीं हुई? यस सर गाइस, आई एम एंगेज्ड टू माय सेल्फ। ओह वाओ दैट्स नाइस, मी आल्सो एंगेज्ड टू माय सेल्फ। खाली हाथ आए नहीं, खाली हाथ आए नहीं। देखो शादीशुदा जो आदमी होता है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी शक्ल से मालूम पड़ जाता है। तो मेरी शक्ल से मालूम पड़ेगा आई एम नॉट मैरिड एंड आई एम नॉट एंगेज्ड। हम इतने खुश, क्या बोलते हैं, हम इतने खुश मिसाल लोग हैं, ऐसे वाले सिंगल पीपल्स लाइफ। चलो एडिट कर, फटाफट फोन निकाल तेरा। एक तो मैं अपने ब्लॉग क्या शूट करूं, क्या एडिट करूं, सारे तो फोन इसके ब्लॉग से भरा पड़ा होता है। बाप रे, एडिटिंग जॉब इज ऑल्सो वेरी हेडेक वाली समटाइम्स। और मिलता क्या है उसके बदले, एक कोक फ्लोट, क्या बोलूं यार, दोस्ती मिल रही है, दोस्ती है करके ब्लॉग एडिट मिल रहा है। मैं इससे फोटोज खिंचवाऊंगा, वापस बोलूंगा अपना कैमरा लेके आ, मेरी फोटोज क्लिक करके दे, फिर ये पक जाती है। अरे यार ऐसे करे, अरे यार ऐसे कैसे, कितने फोटो खिंचवाते हैं मॉडल लोगों को, कोई फोटो सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता गाइस। इट्स अ मिथ कि लोग चार फोटो खिंचवाते हैं, कम से कम 400 फोटो खींचेंगे उसमें 4 शॉर्टलिस्ट होते हैं। और हम जैसे आम लोग 4 फोटो खींचते हैं, उसमें से भी हम सोच लेते हैं कि इसमें 5 फोटो निकल आएंगे। हाँ फ्लिप करके, नाइस गुड, चलो करो। पासवर्ड क्या फोन का? L। मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया पहले। इसका पासवर्ड भी इसके जैसा ही है, सी। अरे तेरे को ही खिला रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, गया हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके आगे लेकिन और बराबर है वो। अच्छे से देख, इतना मस्त था ना वो बना हुआ दशहरा, पूरा का पूरा वो दिखाया था दशहरा का, साथ रामायण का स्टोरी था। तो ध्यान से देख, अच्छे से देख, मैंने सेट किया है। और तू मेरा ही खा जाएगा, खत्म कर दिया इसने। तो मेरा खत्म हो गया ना ऑलरेडी, तो मैं इसका भी खत्म करूँ, तेरे को काम पे जाना है अभी। सो क्या ये खा था, जल्दी जल्दी देख देख देख, अच्छा है वो। सो इस पगलेट के ब्लॉग काफ़ी हद तक शॉर्ट हो चुके हैं, तो अब मैं जाऊंगा मेरी डबिंग करने के लिए, क्योंकि डबिंग वाले बार बार कॉल आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये देखो ये पैसे से खरीद रही है मेरे को, मैं ऐसे नहीं बिकने वाला। आई एम बोलते हैं ना सख्त लौंडा, आई एम प्योर सिंगल सख्त लौंडा, कोई दे रही एडिट के ऐसे नहीं लेता मैं। पगला दोस्त है, कॉफ़ी पी तो ली, कॉफ़ी भी नहीं, वो कोक फ्लोट पी लिया मैंने भाई, चलो छाणी में तो बन चल रख, ऐसे थोड़ी पैसे तेरे से पागल थोड़ी लूँगा मैं, इतने पैसे कमाते हैं उन्होंने। ये देखो ये देखो ये देखो, एक काम कर तू गर्लफ्रेंड बन जा, फिर तेरे से हक से लूंगा फिर। सो अब वो जा चुकी है अपने ऑफिस के लिए, मैं जाऊंगा जाके अपनी डबिंग करूंगा, काम निपटाऊंगा, देन उसके पास जाऊंगा कोलैबोरेशन के दूसरे एक शूट के लिए। सो कोलैबोरेशन की एक अच्छी वीडियो आने वाली है कॉफीज के ऊपर, बहुत कॉफी लवर्स, सो देखिएगा जरूर जाके, मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर एंड अपने शॉर्ट्स के ऊपर भी। द चैनल नेम इज आर वी सीरियस, गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। अच्छा डबिंग करने का भी अलग ही मज़ा होता है, आप अपना एपिसोड पूरा एडिट हुआ देख लेते हो टेलीकास्ट से पहले, बड़ा मज़ा आता है डबिंग करने के लिए मेरे को तो। सो ठीक है डबिंग का बुक देना। आ गए हैं ना ऊपर डबिंग के लिए, हाँ। आज दो नौ बाईस बारह उनतालीस, थैंक यू।
सो आई एम इनसाइड द कैंपस ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स जस्ट एंट्री एंड जब मैं मुंबई नया नया आया था तो मुझे बड़ा ऐसा होता था कि मैं कभी इस बालाजी हाउस में एंटर करूँगा देन सो टुडे आई एम गेटिंग द चांस टुडे नहीं मतलब 2014 से मुझे चांस मिल गया था एंड द बेस्ट थिंग इज कि बालाजी टेलीफिल्म्स के अंदर एक बड़ा अच्छा सा मंदिर है सो जो डबिंग होती है बालाजी हाउस में वो होती है 6th floor पे सो जाएंगे डबिंग करेंगे देन उसके बाद में आगे का काम सो जो मैं डबिंग करने आया हूँ दिस इज फॉर द शो भाग्यलक्ष्मी जहाँ मैं प्ले कर रहा हूँ एक इंस्पेक्टर का रोल सो अभी तक सिर्फ एंट्री ही हुई है तो लेट्स सी ट्रैक है कुछ 15-20 दिन का शायद से तो लेट्स सी आगे क्या क्या होता है आपका शेयर करता रहूँगा बिल्कुल मैं शूट पर जाकर भी कैसे हो अच्छा बस बढ़िया 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 चाय हाँ। डबिंग के ऊपर एक ऑलरेडी ब्लॉग बनाकर डाला हुआ है मैंने आप कहीं जाइए और देखिए मैं ऊपर आई बटन पे शेयर करूंगा मैं आपकी सारी बातें सुन सकता हूं अरे कुरला मत कर देना पानी का अरे वापस इंस्पेक्टर अर्जुन बना दिया मुझे हा पहले उसमें क्या नाम था उसके जो अपनापन था उसमें पता नहीं क्या नाम था भूल गया मैं तुझे रोकने के लिए बंदूक की एक गोली ही काफी है ये मुनीश जितना खतरनाक है उतना होशियार भी है खान ये खान जितना खतरनाक है उतना होशियार भी है सो डबिंग हो चुकी है उसी बाय वाउचर पेमेंट लेंगे दस के बजाएंगे दूसरे काम के लिए बने रहिएगा अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा क्या बताऊंगा वैसे अभी बात है नहीं करने के लिए सी यू भाई लिफ्ट से पढ़ने का टाइम हो गया जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है उसी का हम लोग कोलेबोरेशन में एक ब्लॉग बना रहे हैं गाइस सो वो क्या चीज़ है कॉफ़ी एंड अ कॉफ़ी एंड अ कॉफ़ी एंड इट्स मी एंड माई फ्रेंड गुड वाइब्स तो इसका भी यूट्यूब चैनल है आरवी सीरीज तो सब्सक्राइब यस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लस इसके चैनल पे मेरा एक इंटरव्यू का ब्लॉग भी है सो उसको भी देखिएगा जाके सो ठीक है अब शुरुआत करते हैं हम हमारी वीडियो की सो गाइज बस यही था आज का ब्लॉग सो मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ में एंड और मैं अभी क्या बोलूँ मैं तो फिर आ गई अभी इसको और हाय गाइस अभी तुम्हारा और कौन सा काम बाकी बचा हुआ था भाई बहुत काम बताओ बाकी बताओ है। बताओ क्या है बताओ इधर आओ इधर आके बताओ क्या क्या बाकी है अभी और कुछ कोलैब शूट्स करने हैं फिर अभी घर पे ना काम वाली बाई नहीं है तो बर्तन धुलवाने हैं ओह माय गॉड खाना बनवाना है अब वो बना दूंगा अभी मैं कटिंग करके आ रहा हूँ खाना बना लेना मैं बर्तन धो लूंगी अभी मैं कटिंग करके आ रहा हूँ वैसे भी क्या क्या करना पड़ता है एक एडिटर की जॉब भी कर रहा हूँ मतलब बोलते हैं ना कि हर एक दोस्त अच्छा होता है तो ये अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त है नहीं नहीं गाइस ये बहुत अच्छा दोस्त है मेरा हमको हेल्प करने आया है शूट करने के लिए क्योंकि हम नूब लोग हैं और ये भाई साहब कैमरा के सामने बचपन से है तो कैमरा की नॉलेज ज्यादा है
दो लैब ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, दो ब्लॉग शूट कर चुके हैं कॉफी के ऊपर, वो आने वाले हैं चैनल के ऊपर, जरूर देखिएगा। देन मेरे नहीं, दूसरे चैनल पे आएंगे आरवी सीरीज के ऊपर। देन उसके बाद में इसके भी दो से तीन क्लैब शूट करनी है। एंड मैडम ने ऑलरेडी नवरात्रि तक की बुकिंग करके रखी हुई है मेरे साथ में कि नवरात्रि के भी कुछ क्लैब शूट करने हैं, वीडियो शूट करने हैं, तो वो भी प्लीज हेल्प मी। तो ठीक है गाइस, तो आज के लिए गुड नाइट। कोलैब भी कर सकते हैं नवरात्रि के लिए, वो तो करूंगा ना डेफिनेटली, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और अच्छे से दोस्तों से रहो अपने साथ में, जो अच्छे दोस्त अच्छे से रहो, जो नेगेटिव दोस्तों से नेगेटिव तरीके से रहो। यस, चलो बाय बाय, सी यू गाइस, सी यू सून। एंड गाइस इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत लोग हैं ऐसे जो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लो सब्सक्राइब, करो 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 प्लीज। और मेरी भी चैनल को सब्सक्राइब करो रिद्धि नागदा पे। यस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चलो बाय बाय।